जिंदगी एक खेल की तरह है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस जिंदगी के खेल को एक खिलाड़ी की तरह खेलते हो या फिर एक दर्शक की तरह दूसरों की बेहतर प्रदर्शन पर सिर्फ तालियां बजाते हो। जो भी व्यक्ति इस जीवन रूपी खेल को एक खिलाड़ी की तरह खेलता है तो ऑडियंस उसी के लिए तालियां बजाती है। ऑडियंस के लिए कभी कोई तालियां नहीं बजाता और ना ही उसे कोई जानता है। दोस्तों, अगर आप अपने सपने को, अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा नाम करना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो आपको एक खिलाड़ी की तरह बैट लेकर मैदान में उतरना ही पड़ेगा। जिंदगी एक के बाद एक बॉल आपको डालती जाती है, एक के बाद एक मौके, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती जाती है। अब क्या हुआ जो पहला बॉल मिस हो गया या दूसरा मिस हो गया? लोग थोड़े बातें बनाएंगे, पर जब आप मैदान में डटे रहते हो, एक के बाद एक बॉल मिस होने पर आप उसकी बारीकियों को सीखते जाते हो और लास्ट बॉल पर जब आप आगे बढ़कर छक्का लगाते हो तो पूरा स्टेडियम झूमने लगता है। फिर वही लोग जो कभी आपकी असफलता का आलोचना करते थे, आपकी बातों का मजाक बनाते थे और आप पर हंसते थे, वे आपको अपनी पलकों पर बैठा लेंगे और कहेंगे कि मैं जानता था तो कुछ ना कुछ बड़ा अपने लाइफ में ज़रूर करेगा। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हो तो शुरुआत में मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जब आप इन मुश्किलों के आगे हार मानने के बजाय इसका डटकर मुकाबला करते हो तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी अवश्य मिलती है। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारे अंदर छुपी हुई हमारी सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। इसलिए कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।